SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. तारिक आमिर साहब ने आपका शुक्रिया किया कि आप तशरीफ लाए और बहुत देर तक आपको बाहर रहना पड़ा, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। सवाल इस बात का था कि जैसे आपने सुना कि वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं, वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ है उसको वहाँ पे वज़ीर आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें और उसके बाद जब वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी हम आपको भी ब्रीफ करेंगे यहाँ पे और दिल्ली में भी उनको ब्रीफ करेंगे कि हमने वहाँ क्या किया, क्या कहा और उनका रद्द अमल क्या था, यही हमने आपसे कहना है। इन सब लीडरों को अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि ये इंडिविजुअल लीडर्स हैं, इंडिविजुअल पार्टीज हैं, इनको भी वैसे ही दावतनामा आएगा जैसे हमें आया है। मेरा जो देखिए ये भी बात करेंगी अपनी तरफ से, मैं भी बात करूंगा। हमारा जो मौकफ है वो सबको मालूम है, अरगाम ये भी हैं, ये भी जाएंगे और तारिगामी साहब भी हैं। जो कंसर्न और बल्कि हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत लोगों के जो कंसर्न्स हैं, जो उम्मीदें हैं इस मीटिंग से और हमसे, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। हम मैं एक गुजारिश पहले, प्लीज़ हैव सम पेशेंस। और चूंकि एजेंडा नहीं है, जिन्होंने मीटिंग बुलाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, एजेंडा कोई मुकरर है या नहीं हमें इतला नहीं। और हमारा मौकफ जो है PAGD का, उसको हम दोहराएंगे उस बड़े आईवान में, बड़ी लीडरशिप के सामने। वो हमें मौका मिला है, हम अपने आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। आप नहीं हैं, आप जानते हैं मुफ्ती साहब हर बात शुरुआत करते थे डायलॉग के साथ। वी आर नॉट अगेंस्ट, हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। जैसे पूरे मुल्क के अंदर कोविड की वजह से जेल में जो कैदी थे उनको रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी ये होना चाहिए था। जो हमारे सियासी कैदी हैं या दूसरे जजनीज हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए था, अगर वो वाकई चाहते थे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं, हम लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं जिनको पिछले 2 साल से उन्होंने इतना ह्यूमिलेट किया है। तो मैं समझती हूँ कि कम से कम ये उनको करना चाहिए था, मगर इसका कतई मतलब नहीं है कि हम डायलॉग के खिलाफ हैं। दूसरा, हमारा ये ख्याल था कि अगर PAGD के हेड के तौर पे फारूक साहब जाएंगे, मगर इनका ये है कि नहीं, हमको इंडिविजुअली इनवाइट किया गया है, सबको अलग अलग जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे फारूक साहब ने भी कहा कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। यहाँ गरीब लोग चंदा जमा करके साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों से या अपने लोगों से मिलने जाते हैं। अगस्त 5 की डिसीजन के हवाले से क्या उम्मीद है आपकी, जब आप दिल्ली मीटिंग में जाते क्या उम्मीद है आपकी? नहीं, हम कोशिश करेंगे कम से कम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे कैदियों की रिहाई है, हमारे लोग यहाँ मुसीबत में हैं जिनका बहुत नुकसान हो गया 2019 के बाद, ट्रांसपोर्टर्स है, टूरिज्म है, बाकी है, मगर ये बातें बात की हैं। पहले हमारा, जैसे फारूक साहब ने कहा, जो हमारा पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पर बात करेंगे कि आपने गलती की है, ये इलीगल रहा है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बहाल किए बगैर जम्मू कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर के हालात और इस पूरे खत्ते में आप अमन बहाल।